नमस्ते वकील साहब। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए। मेरी बेटी अपने ससुराल में ना बहुत परेशान है। वे ससुराल वाले उसे हर छोटी चीज के लिए ना बहुत टोका टाकी करते हैं। यहाँ तक कि जब वो मेरे से मोबाइल पर भी बात करती है ना, तभी उसे पीछे से वो टोकते रहते हैं। कभी कहेंगे खाना बना दे, कभी कहेंगे घर में कुछ भी साफ सफाई कर दे, कभी कहेंगे कपड़े धो दे, फिर कभी कहेंगे चल अपने पति के ही कपड़े धो दे। तो मतलब आप देख रहे हो उसे कितना मतलब टॉर्चर कर रखा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उसका डाइवोर्स ही करा दीजिए। तो क्या आपका जवाई आपकी लड़की को मारता भी है? नहीं तो क्या आपका जवाई कोई डाउरी डिमांड भी करता है, कुछ दहेज की मांग? बिल्कुल नहीं। क्या जवाई शराब पीता है? नहीं। क्या वो आपकी बेटी को खाने पीने में कोई रुकावट करता है? बिल्कुल नहीं। देखिए आपसे एक बात पूछूं, क्या आप अपनी बेटी से रोज फोन पे बात करती है? जी मैं अपनी बेटी का पराए घर में ध्यान तो रखूंगी ना, मैंने उसे इतने नाजों से जो पाला है। क्या आप अपने घर में कभी दही जमाती है? जी। तो क्या उस दही को जमते समय आप चेक भी करती रहती हैं, छेड़ती रहती हैं, उंगली करती हैं कि भाई मैं देखूं तो सही है, ठीक से जम भी रही है कि नहीं जम रही है? नहीं तो। तो ऐसे ही आपकी जो बेटी है ना, जो कुंवारी थी तो वो दूध की तरह थी, शादी के बाद उसको दही की तरह रहना है, जमना है। लेकिन अगर आप बार बार इंटरफेरेंस करेंगी, उसे रोज फोन पर बात करेंगी, पल पल की खबर रखेंगी, तो कैसे वो जम पाएगी, कैसे वो एडजस्ट करेगी? आज के समाज में हमें ये समझने की जरूरत है। जैसे आपने अपनी बेटी को जब स्कूल में डाला था, तब क्या आप उसका एग्जाम भी देने जाती थी? नहीं जाती थी ना। उस समय आपने उसको स्कूल में डाल दिया था, उसके बाद एग्जाम से लेकर क्लासेस से लेकर सारी मेहनत उसने खुद की, आपने तो पैसा लगा दिया था। ऐसे ही उसको खुद ही अपने ससुराल में एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप उसको अगर अच्छी ट्रेनिंग देंगी, चाहे कभी कभी बात हो, अच्छी बात हो, अच्छी ट्रेनिंग उसको मिले, उससे उसका घर बच सकता है और डाइवोर्स की नौबत नहीं आएगी। ठीक है वकील साहब, जो भी आपने बातें मुझे समझाई हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी बेटी भी वो बातें समझे। नमस्ते सर। हाँ जी सर, वो मैं आपका ना थैंक्स करने आई थी, जो आपने बातें मुझे समझाई थी वो आगे मैंने अपनी बेटी को समझाई है, तो अब भगवान की कृपा से सिचुएशन काफ़ी बेटर है। बाकी अब तो मैं भी उससे फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, और उसे ये भी समझाया है कि अगर ससुराल वाले कोई काम बोलते भी हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या कोई और काम भी हो, तो वो उसे करे, शर्माए ना, क्योंकि वो उसका अपना ही घर है। अब कोई अपने अपने घर में काम करेगा तो वो मेड थोड़ी बन जाता है, वो उसका अपना ही तो घर है। आजकल के हालात के हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है कि कई जमाई ऐसे हैं जो दारू पी के घर आते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं और उनसे डाउरी की डिमांड करते हैं, तो एटलीस्ट मेरा जमाई तो ऐसा नहीं है। पहले से तो सब अच्छा ही है, बाकी होप है कि आगे भी सब सही रहेगा।